हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 में 6.2 की थ्योरम 6.1 करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 3 मार्क्स की आ जाती है आपके पेपर में। तो इसको देखते हैं। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द टू अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसमें हमें बोला है कि एक ट्रायंगल है, जो हमें ये नहीं बताया कि ट्रायंगल कौन सा है, तो हम अपनी मर्जी से कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं। जैसे एक सिंपल ट्रायंगल बनाते हैं हमारे फिगर के लिए, ताकि हमारा जो डायग्राम है वो आराम से बन सके। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं। इसमें हमें ये बोला है कि ड्रॉन पैरेलल लाइन, एक पैरेलल ड्रॉ की गई है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम ऐसे करते हैं, कर सकते हैं, पर अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारी कन्वीनियंस के लिए सही रहेगा, इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया। आप कैसे भी कर सकते हैं। इसके अंदर इंटरसेक्ट करती है टू अदर साइड्स पे, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ये बी सी से पैरेलल है और ए बी और ए सी पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम इन दोनों को भी नाम दे देते हैं। इसे हम ले लेते हैं डी, इसे ले लेते हैं ई। तो अब हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई। इसके अंदर हमने यही बताया जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लिख देते हैं। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इससे जो दूसरी दो साइड्स हैं वो सेम रेशो में डिवाइड होंगी। तो ए डी अपॉन डी बी, ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड करिए, तो हमने इसे अपॉन में लिख दिया, इक्वल्स टू, ये भी ऐसे ही लिख देंगे, ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूफ करना है अपना। अब इस ये जो हमारी थ्योरम है, हमें इसे प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी जॉइन बी ई एंड डी सी। अब हम बी ई को जॉइन कर देते हैं और एक डी सी को जॉइन कर देते हैं। ये हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दी, एक और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें, वो कर देते हैं। ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब यहां पर हम यहां से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, डी एम से ए सी पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, जिसका नाम हम देंगे डी एम। एसी पे एक परपेंडिकुलर बना दिया, इस पॉइंट को हम एम नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने डीएम लिखा है यहाँ पे। ऐसे ही हम ए बी पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, जिसे कि हम ई एन नाम दे देते हैं। ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होंगे। ओके, अब यहाँ पर हम प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ क्या होगा, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है। यहाँ पर आपने नाइन्थ क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें कि हम एरियाज को इक्वल करते हैं नाइन्थ क्लास में, तो ऐसे ही हम इसमें ये करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया, जिसमें कि हमें एक जो वो होता है बेस, उस पे दो ट्रायंगल लेने होते हैं, दो फिगर्स लेने होते हैं। ऐसे ही हम इस बेस पे दो ट्रायंगल लेंगे, एक हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं इस डीई बेस लेके, और एक इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी ई। हम इस ट्रायंगल को 90 डिग्री का ट्रायंगल मानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मानते हैं, तो हम इसमें हाफ बेस इनटू हाइट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब इसमें बेस क्या होगा, बेस होगा एडी, एडी को बेस मानते हैं हम इसमें, ये हमारे सॉल्यूशन के लिए जरूरी है, इसलिए हम एडी को बेस मान रहे हैं अपना। ठीक है, और हाइट चाहिए अब हमें, हाइट हम लेते हैं ईएन, क्योंकि ये एबी पे ईएन है परपेंडिकुलर, तो हम ई एन ले लेते हैं यहाँ पर, अपॉन हाफ, इसको भी ऐसे लिखेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसका बेस क्या हुआ, बेस हुआ इसका बी डी, ये वाला एक पूरी हमें ए बी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर बी डी ले लेते हैं, और ए बी का परपेंडिकुलर हमारे पास ई एन है,
तो हम यहां पर भी en ही लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये en अपॉन en है, तो ये कैंसिल कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, हाफ बाय हाफ है तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचता है ad अपॉन में bd, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ऐसे ही हम एक और करते हैं, एरिया ट्राइंगल AED अपॉन में एरिया ट्राइंगल DEC। AED ट्राइंगल देखते हैं यहाँ पर कौन सा, AED ये वाला ट्राइंगल और DEC DEC। हमें अब AC लाइन चाहिए तो इसलिए हमने यहाँ पर AC वाले वो ले लिए ट्राइंगल जो कि EC। AED ट्राइंगल देखते हैं यहाँ पर कौन सा, AED ये वाला ट्राइंगल और DEC DEC। हमें अब AC लाइन चाहिए तो इसलिए हमने यहाँ पर AC वाले वो ले लिए ट्राइंगल जो कि AC बेस बनाए। यहाँ पर भी वही करेंगे, हाफ बेस क्या होगा इसका, AE, क्योंकि हमें AC चाहिए यहाँ पे, और AC का बेस परपेंडिकुलर क्या था, DM, तो यहाँ पर हम DM ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पर हाफ इसका बेस क्या हुआ, इसका बेस हुआ EC, क्योंकि हमें पूरी एसी बनानी है तो ईसी प्लस एई प्लस ईसी एसी बन जाएगा, और इसका बेस क्या हुआ, डीएम। ऐसे ही यहां पर ये हाफ हाफ कैंसिल आउट जाएंगे, डीएम डीएम, तो यहां पर बचता है हमारा एई अपॉन में ईसी। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आपको जैसे पता होगा कि अब हमारा ये दोनों चीजें बची हैं, तो हम इसमें ऐसे लिखते हैं, हाफ एरिया डी बी ई equals to area DEC। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अभी हमारी कैसे आई है, अब ये देख लेते हैं, एरिया DBE जो है ये यहाँ पर और एरिया DEC ये है, ये भी हमारे दोनों अगर हम देखें तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि एरिया ADE जो है वही AED है, तो ये हम हमारा इक्वल आ गया, तो बचा ये, इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों को इक्वल लिख दिया है। अब यहाँ पर हम इसका रीजन भी दे देते हैं, बिकॉज बोथ ट्राइंगल आर ऑन सेम बेस डीई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस डीई एंड बीसी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट ए डी अपॉन में बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। अब ये हमारा कैसे आया, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से अगर हम देखें, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो इक्वल हो गए हैं एरिया में, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, इनके प्रोपोर्शनल जो हैं, अब इनके प्रोपोर्शनल इक्वल हो गए हैं, तो हमें अपना वो जो प्रूफ था वो हमें मिल गया है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। ये आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया, आपका प्रूफ खत्म हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।